जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आर्यों का मूल स्थान गढ़वाल था। यदि मैं ऐसा कहूं तो आप लोग आश्चर्यचकित होंगे और इसे गलत मानेंगे, लेकिन जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने जो थ्योरी दी थी आज तो वह भी गलत साबित हो गई है। लेकिन यह सत्य है कि कई दशक पहले गढ़वाल को आर्यों का मूल स्थान मानकर कई थ्योरियां सामने आई थी और इसके लिए बाकायदा प्रमाण भी दिए गए थे। यह अलग बात है कि तब के इतिहासकारों ने इन थ्योरियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी हां, मैं इसी पर बात करूंगा कि गढ़वाल ही आर्यों का मूल स्थान था। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि राखीगढ़ी के उत्खनन के बाद यह थ्योरी गलत साबित हो गई है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। और यह भी बताने लायक है कि बहुत समय पहले से ही कई इतिहासकार यह तथ्य सामने पेश करते रहे कि भारत यानी जो अखंड भारत था वही आर्यों का मूल स्थान था। और इसमें खास तौर पर आज का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर गंगा नदी तक का जो क्षेत्र है इसी को आर्यों का मूल स्थान माना जाता रहा है। वैसे आर्यों को लेकर कई थ्योरियां सामने आई थी। एक मैक्स मुलर की थी कि वे आर्य मध्य एशिया से आए थे। एक थ्योरी यह भी है कि आर्य ध्रुवीय क्षेत्रों से आए थे और एक थ्योरी यह है कि आर्य भारत मूल के ही थे। आर्य भारत मूल के थे, इसी अवधारणा को लेकर कई थ्योरियां सामने आई थी। इसमें पहली थ्योरी थी गढ़वाल के हरिराम धस्माना की। इसके बाद एक और थ्योरी आई, वो थी भजन सिंह की और एक और शिवानंद नौटियाल की। तीनों विद्वानों का मानना था कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु का वर्णन मिलता है वास्तव में वह गढ़वाल ही है। हरिराम धस्माना की पुस्तक थी वेद माता ऋग्वेदिक भूगोल, जबकि भजन सिंह की पुस्तक है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और पर्वतीय विकास मंत्री रहे शिवानंद नौटियाल ने भी इस पर काम किया था। हरिराम धस्माना, भजन सिंह भजन और शिवानंद नौटियाल सभी का मानना था कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु का वर्णन मिलता है वास्तव में वह गढ़वाली है। इनका यह भी कहना था कि ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी गढ़वाल से है। सरस्वती नदी का पुराना नाम विपाशा था। ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए हिरण्यवर्तिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों की सिंधु अलकापुरी की अलकनंदाई थी। उत्तराखंड में नदियों के प्राचीन नाम भी इन्हीं नदियों के आसपास मिलते हैं जो कि वेदों में वर्णित हैं। अलकनंदा का प्राचीन नाम सिंधु व शतुद्री है। धौली गंगा का प्राचीन नाम नितंबा व श्वेतथा है। नंदाकिनी का नाम रसा है और पिंडर का मंदाकिनी का प्राचीन नाम कुभा है। गंगा को सरयू कहा गया है। नयार या नवालिका को पुरुषणी कहा गया है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। वैसे तो दूसरे विद्वान सप्त सिंधु क्षेत्र को अफगानिस्तान से पंजाब तक का क्षेत्र मानते हैं और वहाँ की सिंधु और कई नदियाँ जो अब अफगानिस्तान में हैं उनको प्राचीन ये जो नाम मैंने अभी बताए थे उसी तरह के नाम वहाँ की नदियों को बताते हैं। लेकिन गढ़वाल के इन विद्वानों का कहना था कि जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वास्तव में यही नदियाँ उस जमाने में सप्त सिंधु के जो नाम है ऋग्वेद में है और अन्य वेदों में वही वास्तव में यही नदियाँ थी। भजन सिंह भजन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हरिद्वार से ऊपर मानसरोवर तक का जो क्षेत्र है वही ऋग्वेद में सप्त सिंधु देश है। गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर मानसरोवर तक तथा अलकनंदा और मंदाकिनी की उपत्यका ही आर्यों की मुख्य क्रीड़ा स्थली रही है। कनखल हरिद्वार के पास प्रथम आर्य नरेश, दक्ष प्रजापति, मनु और मनुपुत्रों का तथा राजा वेणु आदि के प्राचीन
क्षेत्र रहे हैं, यहाँ उनके राज्य स्थापित थे। हिमालय की तलहटी में जहाँ आज सघन वनों से आच्छादित हैं प्राचीन सभ्यताओं के वहाँ पे अवशेष आज भी हैं, मिलते हैं। वे यह भी तर्क देते हैं कि ऋग्वेद में जो ऋषि नर का निवास स्थान बताया गया है वह वास्तव में बद्रीनाथ क्षेत्री है, जहाँ नर नारायण का आश्रम रहा है। केदारखंड क्षेत्र में ही वैवस्वत मनु और इला से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई थी। अलकनंदा और मंदाकिनी का यही तटवर्ती क्षेत्र ऋषि नारायण की बेटी उर्वशी और राजा पुर्रवा का क्रीड़ा क्षेत्र रहा है। महर्षि वेदव्यास ने यही बद्रिकाश्रम क्षेत्र में ही वेदों का पुराणों का संकलन किया था। यहीं पर उन्होंने जय भारत काव्य की रचना की थी, यानी महाभारत की। केदार बद्रिकाश्रम क्षेत्र के इस गंधमादन पर्वत को ही माँ पार्वती के पिता का क्षेत्र माना जाता है, यही उनकी राजधानी थी। हिंदू धर्म शास्त्रों में जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है वह भी केदारखंड से मानसरोवर तक का जो क्षेत्र है उसी को माना गया है और यही स्वर्ग माना गया है। यानी इन विद्वानों का यह कहना है कि वेदों की रचना गढ़वाल में हुई थी, जो कि बद्रिकाश्रम से आगे भगवान वेदव्यास की गुफा भी है और वहीं पर उन्होंने वेदों की रचना की थी। हालांकि इस थ्योरी को अन्य विद्वानों ने समर्थन नहीं, लेकिन यह थ्योरियां थी जो कि यह कहती थी कि आर्यों का मूल स्थान गढ़वाल रहा है। इसमें उनके अपने तर्क हैं, एक थ्योरी है, और एक थ्योरी जैसे मैक्स मूलर ने दी थी यह उसी तरह की थ्योरी थी। आज मैक्स मूलर की थ्योरी भी फेल साबित हो गई है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूं नई जिज्ञासा के साथ, तब तक जय हिमालय जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,